हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिस क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल। सो आज की इस क्लास में हम स्पेशल बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। तो उसके लिए ये क्लास वन है बिगिनर्स की सीरीज़ की, एंड दिस वन इज़ अ वूलन यार्न। ये ऊन है जो इजीली अवेलेबल होता है क्राफ्ट की शॉप पे, एंड जो यार्न एम्ब्रॉयडरी की शॉप्स होती है वहाँ पे ये इजीली इस तरह के धागे अवेलेबल होते हैं। एंड दिस इज द नीडल हुक ऑफ दिस मीडियम साइज, यू कैन कंपेयर विथ माई फिंगर। ओके, सो लेट स्टार्ट। आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, सो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर नॉट। पहले हम धागे को सिक्योर करेंगे, तो उसके लिए ये जो धागे का एक छेड़ा है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और फिर इस तरह से इसको अंदर से बाहर निकालेंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर नॉट, जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। नाउ इंसर्ट योर हुक। अब सुइया अंदर डालेंगे और स्लोली इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सुई को इस तरह से पकड़ती हूँ। दिस इज द वे आई एम होल्डिंग दिस हुक लाइक दिस, बट काफ़ी लोग इस तरह से भी पकड़ते हैं लाइक पेन। सो जस्ट सेट योर यार्न लाइक दिस। Put your thumb, finger and second finger like this. इस तरह से हम पकड़ेंगे और दूसरे हाथ की thumb and first finger को इस तरह से रखेंगे। See the holding technique. Once again I am showing you, ये जो धागा है वो यहाँ से मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इसको इस तरह से सेट करके थंब फिंगर है उसको इस तरह से पकड़ूंगी और दूसरे हाथ की दो फिंगर्स यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद सुई को आपको इस तरह से घुमाना है और ये जो एंगल है वहाँ से आपको ये जो धागा है उसको पकड़ के अंदर से बाहर लाना है इन दिस वे। वंस अगेन आई एम शोइंग यू, टर्न अराउंड लाइक दिस एंड स्लोली शिफ्ट दिस यार्न फ्रॉम दिस होल लाइक दिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट चेन। Once again I am showing you, again yarn over, सुई को इस तरह से नीचे से ले जाओ। आप लोग देखो मत, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करो तो ईजीली आ जाएगा आपको। तो सुई को मैंने इस तरह से नीचे से घुमाया। अब ये जो धागा है उसको ये एंगल में सेट करके मैं ये होल में से बाहर ले आऊँगी। ओके, वापस यहाँ पे एक होल है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑलरेडी होल है। तो वो होल में से हम वापस ये धागा बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए इस तरह से पहले मुझे सुई को घुमाना पड़ेगा इस तरह से। वापस ये होल में से मैं बाहर निकालूंगी धागा इस तरह से। ये सेम प्रोसेस आपको करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ यू वांट। इस तरह से आपको सुई को घुमाना है और फिर ये जो होल है उसको इस तरह से सेट करते हुए उसमें से बाहर निकालना है। अगेन आपको सुई को इस तरह से घुमाना है और इसको ये जो होल है
यहाँ से सिंपली बाहर निकालना है इस तरह से। तो ये हमारी चेन्स हमने बनाई टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन्स हमने वर्क की। अब इतनी स्पेस होगी तो आपको इस तरह से नहीं करना है, लेकिन अगर स्पेस इतनी है, ये जो होल है वो इतना बड़ा होगा, तो आपको इस तरह से फर्स्ट फिंगर से इस तरह से शिफ्ट करना होगा। सी, इतना फ्लेक्सिबल होल्डिंग आपका होना चाहिए इस तरह से। सो कंटिन्यू यार्न ओवर। अगेन होल्ड लाइक दिस। यहाँ पे नहीं पकड़े रहना है, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ती है उसी तरह से आपको वर्क करना होगा। वापस ये जो होल है उसमें से हम बाहर निकालेंगे इस तरह। वापस ये जो होल है उसमें से हम बाहर निकालेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड चेन स्टिच। बहुत ही बेसिक स्टिच है। मेजोरिटी स्टार स्टिच, आर्किड स्टिच, जितनी भी नेक्स्ट लेवल के स्टिचेस है उसमें से पहले हम फाउंडेशन जो है वो चेन स्टिच से बनाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द चेन स्टिच। इट्स अ वेरी यूजफुल स्टिच एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टिच। सो फर्स्ट यू प्रैक्टिस विद दिस सिंपल चेन स्टिच। In the next video, we will learn about the slip stitch, how to work slip stitch for making ring and how to work slip stitch for shifting points and for writing names. So this we will going to learn in the next video. Till then, practice this chain stitch of this class 1. So thank you so much friends. If you have any queries, question, then you can ask in the comment section of this video. Thank you so much and have a nice day.